पढ़ाते उसके आयुष रंजन है BBA 3B, उससे क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा, पूरा पढ़ते रहता है। ओके सर, तुमसे कोई पूछा? अच्छा एक और चीज, इम्पोर्टेंट चीज देखो, आप लोग में से कुछ लोग हैं जो अपने पर्सनल आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस क्लास विथ पर्सनल आईडी, ठीक है, सो प्लीज डोंट ज्वाइन विद पर्सनल आईडी, यूज योर ऑफिशियल आईडी, जो कॉलेज प्रोवाइडेड आईडी है आपको वही ज्वाइन वही यूज करना है। आईएसएम पटना, हाँ, जो आईएसएम पटना के डोमेन पे है, ISMPatna.ac.in के डोमेन पे जो आपको आईडी मिली है, ac.in, हाँ वही आईडी आपको यूज करना है, ठीक है। ओके, बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ज्वाइन विद योर पर्सनल आईडी, द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स मी टू अलाउ यू, नंबर नाम लिखते हैं क्या, रोल नंबर नाम लिखते हैं, जस्ट वेट, आई एम गिविंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर भागने के चक्कर में लगा हुआ है, one or two minutes for more people to join, because right now only 46 people. Yes, sir. Yes, sir. Yes. 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 Class mein around more than 100 guys are. 70 join karega matlab. Sab join nahi karta na sir. Oh, acha. Sirf 70 hi join karte hain. बाकी है तो आपके दोनों सेक्शन मिला करके, दिस इज द कंबाइंड क्लास फॉर बोथ द सेक्शंस, दोनों मिला करके अराउंड 104 ऐसा कुछ होगा स्ट्रेंथ, 112 है, राइट। आप क्या दोनों क्लास के सीनियर हैं यहाँ मौजूद? यस सर, यस सर। आशीष कुमार, यू आर सीनियर ऑफ सेक्शन आशीष, सेक्शन बी, बी सर, कौन बी का सीनियर आशीष? हाँ, आशीष कुमार सीनियर ऑफ सेक्शन बी, एंड रोशन भी है, फिर हम नहीं है सर, हम सीनियर नहीं है, इतने प्रताप सिंह इज द सीनियर ऑफ बी, एक आदमी बोलने से मैं समझ पाऊंगा, मेरे को एक चीज समझ में आई कि आशीष कुमार है सेक्शन बी के सीनियर, सेक्शन ए का कौन है? मनीष रंजन सिंह, मनीष इज सीनियर ऑफ सेक्शन ए, ओके फाइन, एंड संध्या सुमन ओके फाइन, सेक्शन बी का नितिन प्रताप सिंह है। अच्छा ठीक है, देखो बहुत सारे कम्युनिकेशन आपके व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं, बट राइट नाउ माय व्हाट्सएप इज नॉट वर्किंग, ठीक है, सो आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट यू थ्रू व्हाट्सएप, सो जो भी मैं अपना कम्युनिकेशन करूंगा only through email, right? So ऐसे मेरे को आप जो सीआर हैं अपना अपना मोबाइल नंबर मेरे नंबर पे एसएमएस कर दीजिएगा, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट रहा तो मैं आपको एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँ, राइट? ओके सर, हाँ ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, सो आई बिलीव यू आर वेल अवेयर कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, दिस इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, क्या चीज होगा ये? नो सर, नो आइडिया, नो आइडिया, एनीबॉडी? सर कम्युनिकेशन के बारे में, किस तरह कम्युनिकेशन करते हैं? इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वी कैन स्टडी सर लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ हाउ द कम्युनिकेशन चैनल फ्लो फ्रॉम वन लेवल टू अदर अनदर, ओके ओके, एनीथिंग एल्स? सर एनीथिंग एल्स इन बिजनेस, टाइप्स, मेथड्स, फ्लो ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरियस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके अच्छा ठीक, सो हम वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट लेटर कि क्या है ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, बट बिफोर दैट I want your introduction, because this is the first time I am interacting with you, so I want your interaction, your introduction. In your introduction, what you have to say? Is my screen visible to you? Yes, sir. Is my screen? And PPT मेरा दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. So आपको अपने introduction में क्या-क्या चीजें बोलनी है? आपको अपना नाम बोलना है? From which place you belong to? जैसे किसी ने बोला अभी छपरा, so हाँ.
cannot be an exact place, but जैसे कोई आसपास का लोग कोई जैसे कोई गांव में है तो मैं गांव नहीं समझ पाऊंगा, तो आप जो भी nearest आपका district या headquarter होगा आप उसको बोल सकते हैं. Your interest or hobby, आपका क्या किस चीज में interest है, क्या आपका hobby है उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा. And आप क्या करना चाहते हैं आफ्टर BBA के कंप्लीट करने, बिकॉज वन ईयर हैज पास्ड. ठीक है, सो यू आर इन सेकेंड ईयर, सो सेकेंड ईयर का चल रहा है अभी आपका. सो आप क्या करना चाहते हैं BBA के बाद, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, व्हाट काइंड ऑफ मीडिया डू यू कंज्यूम. सो मीडिया बोलने का मतलब कि जैसे आप टीवी आप देखते हैं ज्यादा, हाँ अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी के अंदर में कौन सा प्रोग्राम आप ज्यादा देखते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं तो कौन सा मैगजीन आप प्रेफर करते हैं, या डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कौन कौन सा डिजिटल मीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हैं. जैसे आप यूट्यूब बहुत यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप बहुत यूज करते हैं. ठीक है, सो आपको क्या क्या बोलना है, इज इट क्लियर, आपको अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें बतानी है. सो आपके सामने ये स्क्रीन है, so one by one करके please give your introduction. Yes please start करो भाई अपना introduction. Sir my name is Aastha Mishra. Okay. Sir, I belong to the place, I belong to Madhubani, sir. My hometown is there only. Okay, you are from Madhubani. My hobby is, dancing, sir, singing, listening music, storybooks, novels. Okay. And sir, after BBA, I want to, my basic aim is to do government job. Government job. Yes, I don't want to do private job. I want to do government job. So, okay. Yes, sir. Okay. But after BBA, I will do MBA or PGDM in the college only. And after that, I will move toward the preparation of government job. Okay. So higher studies, आपको PGB करना है, MBA करना है, and after that you. सर मतलब अभी बहुत टाइम हो गया, मतलब अभी लेटेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं सर, पहले पढ़ते लेकिन न्यूज़पेपर जो द हिंदू होता सर, देयर इज द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर दैट आई यूज्ड टू रीड डेली फ्रॉम. अच्छा, सो यू लाइक द हिंदू, ठीक है, वो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं. यस सर, यस. और मैगजीन में कोई स्पेसिफिक मैगजीन जो आप पढ़ते थे या पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक मैगजीन? सर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड ऑल आई रीड. अच्छा, सो इंडिया टुडे, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, व्हाट आर गोइंग आवर कंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा यूज टू रीड. यस सर, डाटा यूज टू रीड. मैगजीन का, कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ वन और टू मैगजीन्स व्हिच यू हैव रिसेंटली रीड. सर रिसेंटली आई डोंट हैव, बट आई स्टडी फ्रॉम फोन ओनली सर. आई हैव डाउनलोडेड मेनी एप्स थ्रू ऑफ, आई हैव डाउनलोडेड हिंदू ऐप, द हिंदू न्यूज़पेपर ऐप आई यूज टू रीड डेली, राइट आउट द पॉइंट्स फ्रॉम दैट एंड. हिंदू पढ़ते हैं, हिंदू जो आपने कहा, यू आर टोल्ड दैट यू रीड हिंदू, द हिंदू. सो इज इट द हार्ड कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर और द सॉफ्ट कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, ई न्यूज़पेपर? नो सर, मतलब मेरा कहने का मतलब है सर कि मतलब द हिंदू सर ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां से हम डाउनलोड किए, वहां से हम पढ़ते थे. इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द हिंदू. यस सर, दैट आई यूज्ड टू रीड. एंड सर, आई वांट टू ओनली कि आप लोग हार्ड कॉपी पढ़ रहे हैं. पॉइंट्स ऑफ मतलब करंट अफेयर्स क्या है, मतलब कंट्री में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स, इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है सर, वो सब हम पढ़ते हैं. ओके ओके,
fine, fine, fair enough, fair enough. Yes, that I used to read daily, sir. Yes, sir. Okay. Okay, next please. Yes, sir. Next कौन है? बोलते जाओ यार, don't wait. Complete this process within 5 to 10 minutes. Asma has completed. Next. So my name is Abhishek Kumar Singh. I am from Chhapra. My interest and hobby is playing cricket, listening music, and bike riding. After I complete BBS, then I want a job for experience. After that, I am going to complete MBA. Okay. Fine. Next. Then I will doing job or I am opening my own business. अच्छा job opening your business. Okay. और sir? हाँ ठीक है, पहले आप job करेंगे फिर आप business में जाएंगे, है ना? Yes sir. Okay fine. उसके बाद वो media, कौन सा media आप use करते हैं ज़्यादा? Sir, I am reading Dainik Bhaskar newspaper regularly. Hard copy. That is hard copy. Physical copy. वो आप Dainik Bhaskar पढ़ते हैं, fair enough. और क्या क्या टेलीविजन आप देखते हैं? What sir? टेलीविजन देखते हो आप? Do you watch television? Yes sir. Okay. कोई स्पेसिफिक चैनल है? स्टार स्पोर्ट्स चैनल. सो यू स्पोर्ट्स चैनल. ओके. यस सर. कोई मैगजीन? नो सर. नो मैगजीन. ओके फाइन. सोशल मीडिया के अंदर में आप विच प्लेटफॉर्म डू यू यूज मोर? इंस्टाग्राम. ओके. फेसबुक. यस सर. WhatsApp भी use करते हो बहुत? Yes sir, but little bit sir, only little for important message. Okay, for important. Excellent. Or any other app or any other कुछ भी और? Sir, now I'm using sir Google Meet. This Google is Meet, new right? App for me. Okay, fine. Fair enough. चलो. Next. Thank you, sir. Thank you. Next, please थोड़ा सा जल्दी करो यार, otherwise हम लोग का बहुत time इसी में निकल जाएगा. My name is Reena. चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि starting अच्छा नहीं, तुम start करो. Alphabetically start करते हैं. पहले A वाले लोग फटाफट बोल देंगे. तो आस्था ने बोला है, अनिमेश प्रकाश बोलना चाह रहे हो? Yes sir. हाँ बोलो. Good morning sir, my name is अनिमेश प्रकाश. I'm from Patna. And my hobbies are singing, listening music. Uh-huh. And after BBS, I want to pursue my career in corporate sector. After gaining experience of 1 year, I'll go for my MBA. Mm-hmm. And I don't consume any media, sir. I literally go for the digital media. I don't. So you are consuming digital media more than any other media, right? Yes, sir. Okay. I consume. Oh, fair enough. Next, please. A से और कौन कौन है? आद्या राज. आस्था has completed. आयुष पटेल. Yes, sir. Hello, good morning. Good afternoon, sir. हाँ बोलो. Good afternoon, sir. My name is Aman Sinha and I belong to Khawal Patna and my hobby is listening music and playing mobile games. Mm-hmm. I want to go for a government job after doing my MBA. Mm-hmm. And when I talk about newspaper, I used to read Times of India. It's a hard copy, in the form of hard copy, daily basis. Mm-hmm. And I used to watch YouTube a lot. Excellent. Next, please. Good morning, sir. I'm Ayush Patel. I belong to Patna. My hobby is playing cricket and singing song. After BBA, I want to an entrepreneur. Mm-hmm. And we consume mainly social media, so just like Facebook and WhatsApp. Okay. Sir. So, digital media. You are more into digital media. Yes.
Okay, next. My name is Aditya Arya. Uh-huh. I belong to Patna and mm-hmm. my hobby is cricketing. Hello. Mm-hmm. Please go ahead. My hobby is cricket and watching the movies, lots of, and then listening music. And mm-hmm. I, after BBA, pursuing MBA for hospitality management. Okay. And the media consume is digital and social media, lots of, like Instagram, Daily Hunts, and Facebook and WhatsApp. Digital media. So you are more in digital media also, right? Yes, sir. Okay. Excellent. Next, please. Thank you, sir. Next from A. Sir, I am on. Good afternoon. Yes, go ahead. Good afternoon, sir. This is Akash Kumar Sikriwal from Patna. I use digital media a lot, like LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Instagram. Mm-hmm. I read newspaper daily, The Times of India, of the hard copy. And mm-hmm. There is no hobby. I do whatever I want at that time. And recently, I started reading books, novel of business management, and many others. So, thank you. Excellent. Media consumption? Sir? About media consumption, like when you watch TV, newspaper, At a point of time, I watch news channels, and sometimes I used to watch a sports channel to watching cricket. That's it. I'm out from TV, sir. Okay. You don't watch TV? Yeah. Do you listen to radio, FM radio or any other radio? Sometimes, sir. Sometimes. Sometimes. And most of the time, you are with digital media. Okay. Achha. सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं यार अभी खुद मार्क अटेंडेंस आपको तभी मार्क कर रहे हैं आई एम कमिंग टू ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन ठीक है सो प्लीज डोंट मार्क अटेंडेंस राइट नाउ आई विल आस्क यू टू मार्क अटेंडेंस ओनली देन यू हैव टू मार्क फाइन सो प्लीज डोंट मार्क राइट नाउ डोंट मार्क अटेंडेंस सो आई विल आस्क यू मार्क देन ओनली यू हैव टू ठीक है सो लेट अस कंप्लीट द इंट्रो पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल So, quickly next. Akash is completed. I am completed, sir. Thank you. Next. Good morning, sir. I am Ayush Kumar, Section A. I am belonging to this. You belong to? My Champaran. Champaran, okay, fine. My interest is in animals to know about the animals and to know their behavior, their food, their living, their lifestyle and all. Excellent. Very interesting. Do you have pet animals? Do you have pet? Yeah. I have many pet. German Shepherd duck away, sir. जर्मन शेफर्ड डक है वो गोली बारूद साहब लेट हिम आई वांट टू डू आई वांट टू मूव टू हिमाचल प्रदेश कांगड़ा एंड देयर इज पीपल फ्रॉम एसोसिएटेड इन धर्मशाला एंड आई हैव टू गिव माय वन और टू इयर्स ऑफ फ्री सर्विस फॉर एनिमल रेस्क्यू एंड ऑल to call out animals and to help them to do social work. After that, I do any job or something else. Okay. Very good. What about media? Which media do you consume? I watch the news, sir. The debate shows of different channels like Republic Bharat and G News. And sir, YouTube video account, sir. Okay. Fair enough. Yes. Next. Social media. Account, sir. Social media we want to use karte hain. Next, please. Yes. Thank you, sir. Yeah. Next, please. Next.
क्या हुआ, अभी तो ए से ही बहुत सारे बचे हुए हैं। ओके फाइन, चलो फाइन, आप लोग एक काम करना, ये जो चीजें हैं, हाँ आपको हमने जो एक मेल भेजा है उसमें हमने आपको क्लास कोड भी दिया है, हैव यू ज्वाइंड दैट? अभी शायद नहीं किया होगा, किसी ने ज्वाइन किया है क्या क्लास? नो सर। नहीं ना, ओके फाइन, सो मेल मिला है ना? आई हैव सेंट यू अ मेल, हैव यू रिसीव्ड दैट? यस सर। मुखिया जी, अभिजीत, मुखिया जी, अभिजीत, so I'm not able to use WhatsApp. Presently, my communication, the mode of channel of communication will be through mail. Fine. So keep tab on that. So आप mail mail पे रहेंगे. Mail आपके पास immediately, सभी के पास smartphone है. So in real time, mail आपके पास आ जाता है. कोई problem उसमें नहीं होती है. Fine. So आप आज हमारा Google class आप join कर लेंगे. और जिन लोगों ने अपना intro नहीं दे पाया है अभी यहाँ पे, तो हम बहुत time लगेगा जैसा दिख रहा है. So, on these four, five things, you have to write your intro on Google Classroom. Classroom में ही आप अपना एक intro वहाँ पे अपने बारे में बता देंगे. Fine, fair enough. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So, intro part is complete. So, what you have to do, you have to write your intro on Google Classroom. वहाँ पे आपको अपना intro post कर देना है. On these four, five things. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज ओके फाइन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यू नो माई नेम, माई नेम इज रवि कुमार सिंह, आई डिड माई MBA फ्रॉम NIT दुर्गापुर विथ मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन, आई एम ऑल्सो UGC नेट क्वालिफाइड एंड प्रेजेंटली आई हैव इन्वॉल्व माई सेल्फ फॉर PhD फ्रॉम IFFA यूनिवर्सिटी झारखंड. My mobile number and email ID is also there. You can note it down. Okay, so mobile number is 9304738200. Email ID is marketing2.dept@ismpatna.ac.in. So, okay, fine. Now, हाउ टू मार्क अटेंडेंस, आपको कैसे अटेंडेंस लेना है. सो जब भी मैं आपको अटेंडेंस के लिए बोलूंगा, कभी भी मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम द ज्वाइनिंग ऑफ द सेशन टू द क्लोजर ऑफ द सेशन, इस बीच में कभी भी मैं आपसे आई कैन आस्क यू टू मार्क योर अटेंडेंस. द अटेंडेंस विंडो विल बी ऑफ 1 मिनट, मीन्स जब भी मैं आपको बोलूंगा उसके 1 मिनट के बाद मैं वो अटेंडेंस विंडो क्लोज कर दूंगा. ठीक है, सो आई विल राइट अटेंडेंस at the chat box, उसके बाद I will write close attendance in the chat box. So उस बीच में जितने लोग attendance देंगे, that attendance will be considered. After that, no consideration. Is it clear to all? सर गांव में नेट का प्रॉब्लम रहता है सर. मोबाइल दिखाइए ना सर. ठीक है, देखो क्लास के बीच में कोई भी दूसरी बात नहीं करनी है जो रिलेवेंट ना हो. ठीक है, सो जो जस्ट यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक ऑन द रिलेवेंट इश्यू विच आई एम डिस्कसिंग, दैट पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है, सो डेकोरम ऑफ द क्लास यू हैव टू मेंटेन दैट. फाइन, सो 1 मिनट टाइम आई विल अलाउ यू टू मार्क योर अटेंडेंस. सो फॉर टूडे आई एम just allowing you right now, just I am writing it, mark your attendance, mark your attendance. Now you have to mark your attendance. करें सर. हाँ हाँ, हमने आपको लिख दिया कि mark your attendance. Attendance में भी आपको कैसे mark करना है, just wait,
You have to write the three digits of your registration number. Three digit of your registration number. Sir, if registration number is not available, then what? How come it can happen here, your registration number? Sir, right now I'm not at my home. That's why, sir. रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका मेमोरी में होना चाहिए यार, कम से कम तीन डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, आज आप डाल दो आज मैं अपना वो रोल नंबर डाल देता हूँ, कल से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दूंगा, ठीक है, आज आप डाल दीजिए। हाँ, तो रोल नंबर डालेंगे तो सेक्शन के साथ डालेंगे, ठीक है। ओके सर, फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू हैव टू राइट थ्री डिजिट्स ऑफ योर I got it, sir. Registration number. Then space your name and then your section. Section. Okay, sir. Okay. So this will be the format you have to follow in my class, and I believe this will be followed in every class. ठीक है, last three digit of registration number, उसके बाद space देना है, फिर अपना नाम लिखना है, फिर space देना है और section लिख देना है. Is it clear to all? Yes, sir. Okay, excellent. ब्रैकेट में नहीं देना अपना दो। There is no need to use bracket. Just write three digits of your registration number, your name, and your section. Okay, sir. Has everybody completed? Yes, sir. Completed, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. कोई बचा तो नहीं attendance के लिए, because once it will be closed, then it will your attendance will not be considered for sure. That is why I am asking. Yes, sir. I'm giving you 1 minute more. चलो तब तक मैं discussion अपना करता हूँ, ठीक है? So okay, this is the syllabus which is also uploaded at Google Classroom. ठीक है, syllabus के अंदर में अभी आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है. सो दे हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सो सेक्शन 1 फुल स्क्रीन में ना, पार्डन सर, फुल स्क्रीन कर देते हैं. फुल स्क्रीन कर दे, ठीक है, फाइन. जूम कर लो ना, तुम जूम कर लो, जूम कर लो. जस्ट Is it okay with you? Yes, sir. Oh, yes, sir. Excellent. So, in section 1, we have to discuss about different media vehicles, different media classes. So, in that, we have broadcast media, we have electronic media, we have print media, we have outdoor media, we have other non-conventional media. Then in section 2, we will discuss about different advertising. All these things are part of promotional mix. So in promotional mix, we will there are five elements. So advertising, paid promotion, direct marketing, public relation, personal selling. So all these things will be discussed. So from the syllabus,
from the syllabus, you can understand that what we are going to discuss. This is more towards advertising and sales promotion. So this paper is more about advertising and sales promotion. Fine. Fair enough. So now, yes, sir. Now we are coming to the meaning and definition of corporate communication. So before understanding what corporate communication is, let us discuss the first thing is communication. What communication means? I believe you have read all these things in your term one also, first semester. Communication के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था ना इसके बारे में, है ना? So yes, we will discuss about the meaning and definition of communication, then what are the elements of communication, and then we will discuss about meaning and definition of corporate communication. So if we define communication, so communication is definitely a process. So communication is the process of conveying intended meaning from one entity or group to another entity or group through the use of mutually understood signs, symbols, sounds, etc. What does it mean? कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? Anybody? Communication means a way of expressing our emotions, symbols. Mm-hmm. If I am talking with you, then how I am expressing my way of talking, way of mm-hmm. how I am showing my expression, okay. Symbols, and so that mutual understanding can be developed between speaker and communicator. So right, between two persons, yes, sir. Between two persons. Right. Excellent. Anybody yes. else? Yes. कोई और कुछ कहना चाहेगा? Anybody? कुछ और? Sir, communication. Sir. कम्युनिकेशन वो मतलब से इसमें लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन वो होता है जो कि हम जो बोलना चाहते हैं वो दूसरे तक जैसा बोलना चाह रहे वैसे ही पहुंचे और हम लोग कम्युनिकेशन साइन सिंबल साउंड ये सब के द्वारा करते हैं. राइट. सो देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो डिफरेंट कलर्स में शो किए हुए हैं, है ना. सो नंबर वन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस. सो एक तरह का ये प्रोसेस है. Because this process के अंदर बहुत सारे parts हैं, which we are just going to discuss. So communication is a process. किस चीज का process है? This process is related to conveying intended meaning from one entity to another entity. So conveying intended meaning. What does it mean? Intended meaning का मतलब क्या हुआ? Sir, हम जो बोलना चाहते हैं वो चाहते हैं. Right. What the message so, actually is. So, जो हमारा intention है, what we want to communicate, हम क्या अपने audience को क्या बताना चाहते हैं, कैसे बताना चाहते हैं, ना? So, कैसे जो part होगा, that will be covered in media, कि हम उसको किस तरह से बताएंगे, but क्या बताना चाहते हैं, that is intended meaning, that deals with intended meaning, हम क्या समझाना चाहते हैं. Yes. So conveying intended meaning from one entity. So say for example, you want to communicate something to other person. So you are one entity and you want to convey something to the other person, to the other group. So that is another entity. Now through the use of kis tarah se, how part aa raha hai. So through the use of mutually understood. That is very important in communication. That both party, the sender and receiver, both party must have common understanding about the signs, the symbols, the sound, है ना? जो क्या है? हम जो लिखते हैं, the script which we write, either Hindi, English, यही सब हम लिखते हैं ना? Usually, what kind of script we use? Either we use Roman script, that is English. English को हम Roman script बोलते हैं ना? So, हम लोग दो लैंग्वेज यूज करते हैं बेसिकली.
Hindi and English. So Hindi is known as Devanagari script and English is known as Roman script. So now one party, you are proficient in Roman script, but I am not. Main nahi samajhta hu. I am completely illiterate of this Roman script. Main kabhi nahi main dekha hu, jana hu ki Roman script kaisa hota hai. So will you be able to communicate to me through writing? आप रोमन स्क्रिप्ट जानते हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं. ठीक है, आई एम अ चाइनीज फेलो, मैं चाइनीज जानता हूं, मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता हूं. विल यू बी एबल टू कम्युनिकेट इन राइटिंग टू मी? नो सर. नो, बिकॉज नो सर, हमारा म्यूचुअली अंडरस्टूड साइन सिंबल नहीं हो पा रहा है ना, म्यूचुअली अंडरस्टूड स्क्रिप्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे. आप इंग्लिश स्क्रिप्ट यूज करते हैं, बट मैं इंग्लिश स्क्रिप्ट आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ. आई यूज मैंडरिन, चाइनीज को हम लोग बोलते हैं मैंडरिन. ठीक है, सो आई नो मैंडरिन बिकॉज आई एम अ चाइनीज गाय. सो आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ योर रोमन स्क्रिप्ट, सो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दोज थिंग्स? नाउ दैट इज वन थिंग, स्क्रिप्ट, देन साइंस एंड सिंबॉल्स. सो लॉट ऑफ थिंग्स वेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के अंदर में बहुत सारे साइन सिंबल्स यूज किए जाते हैं. जैसे एक सिंपल सा, मैं आप लोग अपने व्हाट्सएप और ये सब में बहुत सारे साइंस क्या इमोट आइकॉन्स यूज करते हैं ना, आइकॉन्स यूज करते हैं बहुत सारे लोग, यूज करते हैं ना स्माइल, फेस आइकॉन्स यूज करते हैं, थम्स अप यूज करते हैं, थम्स डाउन यूज करते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल्स है ना. So, ये साइन एंड सिंबल्स हम मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये साइंस एंड सिंबल्स हमारे ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि अगर आप थम्स अप यूज कर रहे हैं तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि व्हाट दिस थम्स अप मींस, है ना. बिकॉज व्हाई आई एम यूजिंग दिस थम्स अप, because thumbs up as a sign, as a symbol, is considered has a different meaning in some culture and it is having different meaning in some other culture. Kis kuch culture mein thumbs up ka positive meaning hai. Theek hai, thumbs up means go ahead, well, okay, hai na, positive meaning hai. Aur kuch cultures ke andar mein thumbs up ka matlab hai ki mere ko chidha raha hai, मेरे को अंगूठा दिखा रहा है ना. सो अगर ये दोनों चीज दोनों कल्चर के बीच में, एक कल्चर जिस जो से फॉर एग्जांपल हम लोग थम्स अप को यूज करते हैं पॉजिटिवली, और जो हम अदर पार्टी है वो थम्स अप को नेगेटिव सेंस में यूज करता है, वो थम्स अप का समझता है कि मेरे को अंगूठा दिखाया, मेरे को चिढ़ाया. तो आप जो समझाना चाहते हैं, व्हाट इज योर इंटेंडेड meaning, what do you want to make others to understand, kyunki dusra party usko us sign and symbol ko dusre dhang se samajhta hai to wo aapki baat ko dusre dhang se samajh lega, right? Yes, sir. So there must be mutually understood sign, symbol, sound, text and all those things. Then only you will able to make the other party understand about your intended meaning. जो आप समझाना चाहते हैं उसको आप समझा पाएंगे. So communication is the process of all these things. Right? आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now, according to Oxford, they have defined communication is like the imparting or exchanging of information by speaking, writing, using some other medium. ठीक है ना. So this is very plain definition. Now अभी हम देखते हैं communication process, how this हम लोगों ने beginning जो first definition दिया था उसमें क्या लिखा था. सबसे पहले communication is a process of conveying intended meaning. So now let us understand this process.
सो प्रोसेस के अंदर में क्या क्या है, वन वन इज सेंडर, एक बंदा है सेंडर. सो सेंडर हैज सम काइंड ऑफ मैसेज विद हिम और हर. जो सेंडर है उसके पास कुछ मैसेज है, ही एनकोड दैट मैसेज इन अ सर्टेन लैंग्वेज और इन अ सर्टेन फैशन. हम आपको जो बोलना होता है, जब कुछ समझाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको एक सर्टेन पैटर्न में एनकोड करते हैं. बोलना है या लिखना है या जैसे भी है, आप सबसे पहले हम उसकी एनकोडिंग करते हैं. एंड वी यूज सर्टेन काइंड ऑफ मीडिया अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए वी हैव टू यूज सर्टेन काइंड ऑफ मीडिया. सो एनकोडिंग करते हैं सबसे पहले, किस मीडिया का यूज करते हैं, उस मीडिया के थ्रू वो मैसेज दूसरों तक पहुंचता है. जब ही वो मैसेज दूसरों तक पहुंचता है तो वो बंदा उसको डिकोड करता है. ठीक है, तो एनकोडिंग योर कंटेंट, मैसेज इज योर कंटेंट. सो कंटेंट उसकी एनकोडिंग होती है. वी यूज द प्रोपगेशन ऑफ दिस एनकोडेड कम्युनिकेशन इज डन थ्रू अ मीडिया. एंड व्हेन इट कम्स टू द रिसीवर पार्ट, द रिसीवर डिकोड इट, डिकोड दैट कम्युनिकेशन. वो मैसेज को डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद वो उसके ऊपर जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो देता है, फीडबैक देता है, और ये फीडबैक फिर सेंडर के पास पहुंचता है. सेंडर फिर उसके ऊपर जो भी करना है वो करके फिर आगे द प्रोसेस गोज ऑन. नाउ इस बीच में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. वन इज द नॉइज इन द मीडिया. नॉइज इज द कंपीटिंग कम्युनिकेशन. व्हाट इज नॉइज? नॉइज इज कंपीटिंग कम्युनिकेशन. ठीक है, हम लोग जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे हम इन चीजों को ग्रेजुअली और अच्छे से समझेंगे. सो से फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा आपको ऐसा ही बात करता हूँ, जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे या मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे. ठीक है, इस बीच में मैं आपसे रोल नंबर वन से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, बट मैंने मीडिया के रूप में टेलीफोन यूज किया है या अभी जो हम जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं गूगल मीट यूज कर रहे हैं हम लोग. सो वी आर यूजिंग गूगल मीट एज मीडिया. सो आई हैव इंपोर्टेड समथिंग एंड आई एम यूजिंग दिस गूगल फूड एज गूगल मीट एज मीडिया एंड आई एम टॉकिंग टू रोल नंबर वन. Now, इस बीच में क्या हो रहा है कि अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग. सो दिस इज वॉट, दिस इज नॉइज. इस नॉइज की वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी. बिकॉज दिस कंपीटिंग वॉइस, एक दूसरे से कंपीट करता हुआ वॉइस, क्योंकि बाकी लोग भी बात करने लगे. मैं रोल नंबर वन से बात करना चाह रहा था बट इसी बीच में रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 10 जो भी है वो लोग भी कुछ बोलने लगे. सो दिस इज नाउ, दिस हैज क्रिएटेड अ नॉइज, नॉइज इन द मीडिया. एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉइज इन द मीडिया माय कम्युनिकेशन कुड नॉट बी सक्सेसफुली अंडरस्टूड बाय रोल नंबर वन, द रिसीवर. फाइन, सो नॉइज समझ में आया कि दिस इज नॉइज. नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेंडर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड दोनों में आ गया है. वन इज रिसीवर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे मेरे से लिखने में गलती हो गई है. वन इज योर रिसीवर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड वन साइड इज सेंडर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. फाइन, सो आप इसको ऐसे समझेंगे. सो जो पर्पल काइंड ऑफ थिंग इज दैट इज सेंडर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड येलो पार्ट इज योर receiver field of experience. Now this is what sender and receiver field. Can anybody explain this sender field of experience and receiver field of experience? Koi bol sakta hai? Aur wo dono overlap kyun kiya gaya hai? Ye do circle hai jo ek dusre se overlap kiye gaye hai. Anybody? Sir, receiver field ki experience matlab hai जो सेंडर मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता है वो कम्युनिकेट किया या उसको पता चला कि नहीं, जिस जिस
फॉर्म में वो मैसेज भेजा, वो उसका जो एक्सपीरियंस होगा रिसीवर एक्सपीरियंस। हाँ, जो हम लोग ने डेफिनेशन के अंदर में बात किया था ना, म्यूचुअली अंडरस्टूड साइन सिंबल लैंग्वेज, ये बात किया था डेफिनेशन के अंदर में, म्यूचुअली अंडरस्टूड। सो दिस जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों सर्किल का बीच का पार्ट है, दैट इज म्यूचुअली अंडरस्टूड साइन सिंबल लैंग्वेज कल्चर एंड ऑब्जेक्ट्स। सो जब भी एक मार्केटर, मैं मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जब भी एक मार्केटर आप से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ मार्केटर ऑफ अ कंपनी, सो व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट, आप एक मार्केटर क्या क्या कम्युनिकेट करता है और कैसे कैसे कम्युनिकेट करता है, जस्ट टेल मी हाउ अ मार्केटर कम्युनिकेट्स एंड व्हाट ही डज फॉर कम्युनिकेशन। मार्केटर कम्युनिकेट करता है अपने ऑडियंस से, यस और नो? यस सर। अच्छा, कैसे क्या क्या करता है उस कम्युनिकेशन के लिए, कैसे कैसे करता है, थोड़ा बताएंगे आपको? सर मार्केटर पहले प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, फिर कंज्यूमर उसको यूज करने के बाद उसका अपना फीडबैक देता है। जिस एनी एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम मार्केटर साइड? सम मींस दैट मार्केटर जो होता है सब पहले, जैसे कोई कंज्यूमर गया मार्केटर के पास तो मतलब खरीदने के लिए कोई सामान, तो वो पहले बोलता है कि मेरे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, मतलब जैसे सर कोई भी सामान हो गया जो हम लोग का बेसिक नीड्स है सर, वो हम लोग खरीदने गए जाते हैं तो वो बताता है, मतलब कम्युनिकेशन में बताता है कि हाँ ये सामान ऐसा है, इसमें ये क्वालिटी है सर। एडवर्टाइज करेगा, बताएगा पहले उस प्रोडक्ट के बारे में, फीचर्स बताएगा उसका, तो कभी भी टीवी ऑन कर लीजिए, कभी एडवर्टाइजिंग तो एडवर्टाइजमेंट दैट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डन फ्रॉम मार्केटर साइड। ठीक है, सो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर में क्या क्या रहता है, आप टीवी के एडवर्टाइजमेंट आप देख लो, चाहे न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट देख लो, मैगजीन के एडवर्टाइजमेंट देख लो, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसको देख लो, यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसको देख लो, किसी भी एडवर्टाइजमेंट के बारे में दे ट्राई टू कन्वे यू समथिंग, कुछ इंटेंडेड मीनिंग होती है उस एडवर्टाइजमेंट के पीछे जो अपने ऑडियंस तक एक मार्केटर पहुंचाना चाहता है, राइट? यस सर। है ना, हर मार्केटर, अगर अमूल अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कुछ बोलता है तो वो कुछ समझाना चाहता है अपने ऑडियंस को। नाउ अगर अमूल एडवर्टाइजमेंट बनाता है हिंदी में, अमूल ने एडवर्टाइजमेंट बनाया हिंदी में, क्या वो एडवर्टाइजमेंट हम जापान में यूज कर सकते हैं, क्या वो एडवर्टाइजमेंट हम चाइना में यूज कर सकते हैं, क्या वो एडवर्टाइजमेंट हम फ्रांस में यूज कर सकते हैं? नो सर। बिकॉज हमने एडवर्टाइजमेंट बनाया है हिंदी में, सो सेंडर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स, उसका कल्चर अलग है, उसका लैंग्वेज अलग है ना, और रिसीवर का फील्ड, चूंकि वो जापानीज है, चूंकि वो चाइनीज है, चूंकि वो फ्रेंच है, जर्मन है, उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उनका कल्चर अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, सो दोनों के बीच में अगर कॉमनलिटी नहीं रहेगी, म्यूचुअलिटी नहीं रहेगी, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सो ये जो कॉमन पार्ट है, तो आप देख रहे ओवरलैपिंग पार्ट है, वो जितना ज्यादा बड़ा रहेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, उतना ही आप अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी बातों को समझा पाएंगे। फाइन, से फॉर एग्जाम्पल एक एडवर्टाइजमेंट जो इंग्लिश में बना है, ठीक है,
एक मोबाइल फोन का एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो इंग्लिश में रहते हैं, रहते नहीं रहते हैं? यस सर, है ना। अब वो एडवर्टाइजमेंट जो रूरल कस्टमर है, क्या वो उस एडवर्टाइजमेंट को समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। रीजन भी कि उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट जो रहेगा, थोड़ा हम लोग को भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा होता है कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट देखा और आपको फील हुआ कि अरे यार क्या बोलना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा होता है कभी? यस और नो? यस सर। हाँ, इट हैपेंस, इट हैपेंस। अगर आप देखो इस पेपर के अंदर में एक और चीज मैं आपको बता दूं, हाँ, ट्राई टू कलेक्ट एवरी डे वन एडवर्टाइजमेंट, ट्राई टू कलेक्ट एवरी डे वन एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, फिजिकल मीडिया का हो यानी कि न्यूज़पेपर का हो, या जैसे भी हो, ऑनलाइन तो बहुत सारे आप एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। सो ट्राई टू कलेक्ट एवरी डे वन एडवर्टाइजमेंट एंड वी विल डिस्कस दैट एडवर्टाइजमेंट इन द क्लास, फाइन। सो हर कोई एक एक एडवर्टाइजमेंट लाएगा, चाहे वो पेपर का एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो टीवी का एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट हो, हम लोग सभी एक एडवर्टाइजमेंट बैंक बनाएंगे इंडिविजुअली, सभी लोग एडवर्टाइजमेंट बैंक बनाएंगे और वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट दोज एडवर्टाइजमेंट्स। वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या कहना चाहता, व्हाट इज द इंटेंडेड मीनिंग, व्हाट इज द इंटेंडेड मीनिंग बिहाइंड द एडवर्टाइजमेंट, क्या कहना चाहता है, हु आर द कस्टमर्स, हु आर द ऑडियंस, किसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट बनाया है, कौन सा मीडिया यूज किया है, क्या वो YouTube यूज किया है, क्या वो क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर यूज किया है, अगर न्यूज़पेपर भी यूज किया है तो कौन सा न्यूज़पेपर यूज किया है, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया यूज किया है, दैनिक भास्कर यूज किया है, दैनिक जागरण यूज किया है, अगर वो मैगजीन यूज किया है तो विच मैगजीन दैट दे हैव यूज, इज इट क्या बोलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे और सम अदर मैगजीन लाइक ग्रीशोभा और सम अदर मैगजीन लाइक बहुत सारे मैगजीन्स हैं, है ना। तो कौन सा स्पेसिफिक टूल उस एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है, इन तमाम चीजों को वी विल कीप ऑन एनालाइजिंग, बट फॉर दैट आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So, what kind of active participation is required? What is my expectation? क्या आपको करना है, क्या मैं चाह रहा हूँ? Collection of advertisement. Collection of आपको advertisement bank बनाना है और उस bank के अंदर में आपके पास electronic advertisement भी हो सकते हैं, आपके साथ आपके पास न्यूज़पेपर वाले एडवर्टाइजमेंट भी हो सकते हैं, मैगजीन वाले एडवर्टाइजमेंट भी रह सकते हैं। आप एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर में आप एक एक A4 शीट में वो एडवर्टाइजमेंट आप स्टिक कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये एडवर्टाइजमेंट है, व्हाट इज द इंटेंडेड मीनिंग इस एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटर क्या कहना चाह रहा है, उसका ऑडियंस कौन है और वो उसने जो मीडिया यूज किया है वो कौन सा मीडिया यूज किया है और क्यों यूज किया है। So you will keep on collecting advertisements and writing all these things about one about all the advertisements which you are going to, which you are collecting, right? So that will be one part of your assignment. So at the end of the session, I will check everybody's folder. मैं उसका एक जो folder में बोल रहा हूँ advertisement bank का, वो फोल्डर में चेक करूंगा। उस फोल्डर के अंदर में आपके शीट्स होंगे, A4 शीट्स होंगे, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट स्टिक करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का है तो उसमें आप उसका लिंक देंगे, उसका क्लिप लगाएंगे, ठीक है, उसके बारे में ये तमाम बातें लिखेंगे। सो इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट है? यस सर। नो सर। एक्सीलेंट। नो सर। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो sender's field of experience and receiver's field of experience, is it clear? Yes, sir. हाँ, यानी कि दोनों का
कितना कल्चरल सिमिलैरिटी है और कितना कल्चरल डिससिमिलैरिटी है, रहन सहन बोल चाल लैंग्वेज उन चीजों में कितना सिमिलैरिटी है और कितना डिससिमिलैरिटी है। सो जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी कम्युनिकेशन उतना ही अच्छा हो सकता है, राइट? नाउ सो अभी हम लोगों ने जो मॉडल देखा उसके अंदर में हम लोगों ने देखा देयर वर टू पार्टीज सेंडर एंड रिसीवर, है ना, देयर वर टू पार्टीज सेंडर एंड रिसीवर, वन इज सेंडर एंड अनदर इज रिसीवर। नाउ द कंटेंट द मैसेज, है ना, मैसेज जो सेंडर एक क्रिएट करता है उसको एनकोड करता है, वही मैसेज जो फिर रिसीवर डिकोड करता है, दिस इज द कंटेंट। नाउ इस कंटेंट के अंदर में भी बहुत जॉब है, कंटेंट राइटर दे आर हाईली पेड जॉब्स, मीडिया मीडिया प्लानर, मीडिया के अंदर में भी बहुत जॉब्स है और बहुत एनालिटिकल जॉब है इसके अंदर में, मीडिया के अंदर में एक कौन सा मीडिया किसके लिए ज्यादा सुटेबल है, वी विल ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज इन दिस मीडिया कंजम्पशन के ऊपर, हाँ हम लोग उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन और एक वो करेंगे इसके ऊपर, फाइन। एंड देन द प्रोसेस, सो सेंडर माने पार्टीज, देन कंटेंट, देन टूल, देन प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर में चार चीजें हैं, एनकोडिंग डिकोडिंग रिस्पॉन्स एंड फीडबैक एंड द इंटरफेरेंस एलिमेंट, है। सो ये एलिमेंट सबसे आपका नुकसान वाला एलिमेंट है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, दैट इज द नॉइज। सो इन मार्केटर मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट नॉइज मीन्स कंपीटिंग कम्युनिकेशन। सो आप कभी किसी ने क्लासिफाइड देखा है पेपर के अंदर में, क्लासिफाइड एक सेक्शन होता है, क्लासिफाइड सेक्शन, उसमें एक क्लासिफाइड करके एक पार्ट होता है। आज आप लोग जाना कहीं से भी एक न्यूज़पेपर लेना, उसके अंदर खोजना क्लासिफाइड एक सेक्शन होगा, उस क्लासिफाइड सेक्शन के अंदर में आप देखोगे छोटे 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 बहुत सारे एड्स रहेंगे, रोजगार से रिलेटेड एड्स और बहुत सारे तरह के एड्स होते हैं, वो एक ही पेज के अंदर में बहुत सारे एड्स भरे रहते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में आप वो देख करके आना, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या आपने देखा और क्या उससे समझा, ठीक है। सो क्या करना है आपको, क्लासिफाइड एड्स को देखना है, क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर आपको चेक करना है, ये कैसा होता है, उसके अंदर में क्या है, एंड योर ऑब्जर्वेशन। एंड सो ये हो गए आपके एलिमेंट्स, और उसमें एक मेजर एलिमेंट क्या है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। सो रिसीवर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड सेंडर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये इस फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, द ओवरऑल एनवायरमेंट, द लैंग्वेज, द कल्चर, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस सिंबल एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। सो ये जितना कॉमन होगा उतना ही बेहतर ढंग से यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट, जितना ही दोनों के अंदर में कॉमनलिटी नहीं रहेगी, यानी कि दोनों सेपरेट रहेंगे एक दूसरे से, उतनी ही मुश्किल होगी, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट, राइट? फेयर एनफ, कोई डाउट? नो सर। ओके, सो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इन द नेक्स्ट क्लास, फाइन? Yes, sir. I have posted this PPT in the classroom also, so you can refer that PPT from there. ठीक है, आज तो मैंने ये सोचा था कि ये कम से कम यहाँ तक हम लोग पोस्ट कर देंगे, हाँ ये सारा, बट थोड़ा इंफो के अंदर में ज्यादा टाइम लग गया जिसकी वजह से नहीं पाया, एनीवे ठीक है। और एक और चीज, अपना इंट्रो आप याद करके क्लासरूम में डाल देना है आप सभी को, any doubt? कोई क्लारिफिकेशन? नो सर, थैंक यू सर। ओके डियर, चलो, सो आई एम क्लोजिंग माय दिस पीपीटी। मैं पीपीटी को आई एम फॉर्मली क्लोजिंग दिस क्लास टुडे, ठीक है, ऑल द बेस्ट। सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लेना, अपना इंट्रो वहां पे डाल देना, कल का क्लासिफाइड न्यूज़पेपर का देख लेना है आपको, जो 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 चीजें हमने कही हैं सारा आपको कर लेना है, फाइन। चलो, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।